मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अब फिल्म यूनियंस की दादागिरी नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के साथ बैठकर ये एक नया नियम निकाला है कि जो संगठन बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में और जो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे मेंबर्स या जिन मेंबर्स के पास कार्ड है संगठन के, वही मेंबर्स फिल्म के सेट पर काम कर सकते हैं। इन संगठनों का अब अस्तित्व ही खत्म समझिए। पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि ये जो संगठन है ये काम कम करते हैं और काम रुकवाते ज्यादा हैं। कभी भी किसी फिल्म के सेट पर अगर शूटिंग चल रही होती है तो संगठन के मेंबर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद टेक्नीशियंस और बाकी काम करने वाले लोगों से उनका संगठन का कार्ड मांगते हैं। अगर किसी के पास कार्ड नहीं बना हुआ हो तो फिर उसे वहां से हटा देते थे या फिर प्रोड्यूसर को धमकी देते थे जाकर कि हम शूटिंग रुकवा देंगे। और ये भी कहते थे ये संगठन कि हमारे पास 5 लाख लोग हैं जो हमारे इस संगठन का हिस्सा है। लेकिन ये लोग 5 लाख क्या 20-30 हज़ार से ज़्यादा भी नहीं है, ये पता तब चला जब कोविड के दौरान महामारी आई, लोगों को पैसों की ज़रूरत आई और तब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, लोगों ने जब पैसे डोनेट किए तो इन संगठनों से अपने अपने मेंबर्स की लिस्ट मांगी और यही संगठन वाले जो हैं 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों के नाम तक नहीं दे पाए। सिर्फ झूठ बोल बोल कर, दादागिरी करके फिल्मों के सेट पर जाकर ये शूटिंग में प्रॉब्लम्स डालते थे और उसी के कारण ये डिसीजन अब लिया गया है। स्पेशली FWICE ये जो संगठन है ये अब खत्म हुआ समझिए। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ समय पहले राजू साप्ते करके एक आर्ट डायरेक्टर था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था और उनको 5 और फिल्मों का काम करना था, लेकिन संगठन वाले पॉलिटिक्स कर रहे थे और राजू साप्ते के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे थे कि इसने वेंडर्स का पैसा नहीं दिया है, जबकि उसने मार्केट का जितना भी बकाया पैसा था वो चुका दिया था। इतना ही नहीं, राजू साप्ते अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहाँ पर जाकर भी संगठन वालों ने काम रुकवा दिया, जिसके बाद इस पॉलिटिक्स से परेशान होकर राजू साप्ते ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ लोगों का नाम लिया और कहा कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसके बाद राजू साप्ते ने सुसाइड कर ली। सुसाइड के बाद ही महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में आई। 2 नामी नेता भी इस संगठन से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और संगठन से जुड़े और भी लोगों को अरेस्ट किया गया। और इसके बाद इस संगठन की दादागिरी खत्म करने के लिए खुद महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ये नया नोटिस जारी किया गया है, बकायदा नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और एक नई इंडिपेंडेंट बॉडी बनी है जिसका काम है कि इस तरह के यूनियन मेंबर्स अगर सेट पर आकर दादागिरी करें तो उन्हें रोकना है, शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए और शूटिंग की व्यवस्थाओं को सुधारना है। तो जाहिर सी बात है, बिना रुके काम आगे बढ़े, उस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं और जो लोग काम रोकने का काम करते थे उन्हें हटाया जा रहा है। तो एक अच्छा और बड़ा कदम इंडस्ट्री की तरफ से उठाया गया है।